पेटेंट है वो बताते हैं हमारे इतने पेपर है, तो दे अट्रैक्ट, दिस इज अट्रैक्टिंग फोर्स। आपका वैल्यूएटेशन क्या है आपके साथ? खाली ये एडिशन है भैया, जिसने जैसे जन्म लिया मरण होना है ना, वो तय है। जिसने एडमिशन लिया उसने पास तो होना ही होना है भाई, तुम पढ़ाओ ना पढ़ाओ पास तो उसने हो ही जाना। आज नहीं होगा तो जो चार तीन में होगा तो पाँच साल में होगा, पहले तो पाँच में नहीं होता, तीन में ही होना है उसको, पास तो उसने होना ही है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन का बेंच मार्क यहाँ पर आता है। देखिए टीचिंग अपनी जगह है, मैं मानता हूँ उसको, वो इंडिस्पेंसिबल है, उसकी भूमिका नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर बेंच मार्क नापना है किसी चीज को, तो हर एक व्यक्ति कहते ना इसी दाने को उठाता है। यहाँ ये रिसर्च में क्या कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च ना कर रहा हो। पढ़ाई में तो साहब हम बहुत अच्छे हैं, पर सॉरी यार पेपर हम नहीं छाप पाते, ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा स्टूडेंट हो नहीं सकता। बिल्डिंग गुडविल एंड प्रेस्टीज, एक इंस्टीट्यूट की गुडविल और प्रेस्टीज, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, इज एकेडमिक राइटिंग, इज पेपर्स, इज पब्लिकेशन। ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ पेपर, मैं लास्ट चीज में दो स्लाइड में बिफोर वी विल ब्रेक फॉर द टी, तो चाइना रैंक्ड थर्ड इन 2014, 2014 में साहब चाइना तीसरे नंबर पे था, 2016 में सेकंड में आया, और 2018 जनवरी में पहले नंबर पे, नंबर ऑफ पेपर बीटन यूएस। नेचर की न्यूज है, चाइना डिक्लेयर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स। For the first time, China has overtaken the United States in terms of total number of science publications, according to statistics compiled by the US National Science Foundation. China published more than 426,000 studies in 2016. So. But कहने का मतलब यह है कि China भी number one पे है. But the question is, does only the number matters? Shall it really help with the quality? Again, in news in business impact. MIT Technical Review में, the truth about China's cash for publication policy. China ने क्या किया, क्या उपाय? अगले स्लाइड पीछे में दिए हैं, पीछे चलिए, back, yes. China has got the, in 1991 के आसपास ही China ने कहा, तुम इस impact factor में पेपर छापोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। नेचर में छापने के लिए, अगर नेचर 46-47 के इंपैक्ट फैक्टर में अगर किसी ने पेपर छाप दिया तो उसको लगभग उसको पूरे दो साल की सैलरी के बराबर उसको पैसा दे देते हैं एक पेपर छाप, उसकी और उसकी टीम को पूरी। इस दौड़ में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो ठेके पे पेपर छपने शुरू हो, क्वालिटी तो कोई भूल जाइए, वो ऐसे पेपर है कि कई जगह रिट्रैक्शन शुरू हो गए, उनके पेपर रिट्रैक्शन हो गए, खत्म कहानी, खाली पेपर छाप। उनको जब पैसा मिल रहा है यार ठीक है ना, कैसा भी छाप दो, क्योंकि अगर यार 2 लाख मिल रहा है तो चल 30,000 में कोई पेपर लिख दिया, मान लिया वो छपना इंपैक्ट में चाहिए। चाइना ने वो स्टार्ट किया, चाइना आज नंबर वन पे। इंडिया इज ऑल्सो बीटन अप जापान एंड रैंक थर्ड, आई थिंक इस समय थर्ड रैंक में है, आप जनवरी करंट साइंस में देखिएगा, जापान को बीट किया, पर हमारे अभी यही हालत है। प्रीडेटरी जर्नल, नंबर की बात नहीं करेंगे सर, क्वांटिटी की बात नहीं होगी, क्वालिटी की बात, focus on quality and not the quantity. In Indian context, the flood of TDH, ये मेरा अपना point term है, Tom, Dick and Harry journals, has also affected the credibility of Indian research globally. To get more and more score in academic performance indicator, many researchers are just publishing for numbers. Please remember the trend has come. Many state of art institute and university just ask for the paper published in SCI index journal, science citation index में जो journal index हुआ केवल उसी को देंगे, बाकी तुम्हारे paper मानेंगे क्योंकि वो जो फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क में आते हैं उसमें मैं मानता हूँ उसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी वालों को बहुत दिक्कत है क्योंकि उनके कई जर्नल ही नहीं है। लेकिन ऐसा मैं इस बात से पार्शियली एग्री करता हूँ, पार्शियली एग्री क्यों करता हूँ, व्हाई आई पार्शियली एग्री विद देम, बिकॉज दे डोंट नो द जर्नल डज एग्जिस्ट, बट देयर स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, सो हम उन जर्नल से आँख मूंद देते हैं। देखिए हमें काम तो ऐसा करना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पर करने के लिए ग्लोबल लेवल का काम करना पड़ेगा, तभी हम उसमें आ पाएंगे। Then all your efforts and money to publish your papers and to have a long list of papers in those three journals will go all in vain. ऐसा time आ रहा है, जैसे index journal, UGC journal, ये सब रहता है, कुछ देर में सब खत्म होने वाला है, देख लीजिएगा। कुल मिला के वाले केवल SCI journals, impact factor वगैरह भी सब कहानी चल रही है कि हाँ कोई भी अपने को स्वयंभू कमांडर की जाएगा कि मेरा impact factor इतना है, journal कोई अपनी घोषणा नहीं कर सकता कि उसका impact factor इतना है, there are the international agencies they declared, okay? So, but it's a take-away message, don't fall in the trap of these tedious journals just to increase the numbers, publishing in the substandard journals may be disgraceful
for you and your institute. Be honest in academic writing, otherwise your career will be spoiled. Next, we'll break then. We will have a tea break then. Thank you. Thank you.